फ्रेंड्स मैं काफ़ी शॉक थी क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बहुत मोटी बुक है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट बुक है, ये कैसे हैंडल होगी। अब जो इसके जो ऑथर हैं हैरल्ड परसिवाल जी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताते हैं कि जब वो शायद वूम में थे तो उनको हर तरह की साउंड्स सुनाई देती थी। कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर जो चेतना है उसके बारे में जागरूक हुए, और ये इंसिडेंट दो बार और हुआ। जो ज्ञान आपने अर्जित किया उसको आप दूसरों के साथ बांटते हैं कि मैं उस लाइट पे, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ जो मैं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर कॉन्शियस लाइट लाता हूँ, लाइट को फोकस करता हूँ एंड फोकसिंग ऑफ द लाइट। फ्रेंड्स नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, ये वो बुक है जिसका हम सभी लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड्स दिस बुक इज़ थिंकिंग एंड डेस्टिनी बाय हैरल्ड परसिवाल। सो हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक एक बहुत ही स्पिरिचुअल क्लासिक हम इसको बोल सकते हैं। आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि ये बुक मेरी लाइफ में कैसे आई। आप सभी लोग जानते हैं कि पत्री सर थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक के एक्सर्प्ट्स रोज़ शेयर करते थे, और मैं उन एक्सर्प्ट्स को नहीं देख पाती थी फॉर वॉट एवर रीजन्स। और हुआ क्या कि फिर मैं आउट ऑफ टच हो गई और मैं उन एक्सर्प्ट्स को कभी भी नहीं पढ़ पाई। एक दिन क्या हुआ कि मैं सर से मिलने गई और सर ने मुझे बोला कि मैडम आप थिंकिंग एंड डेस्टिनी क्यों नहीं करती। फ्रेंड्स मैं काफ़ी शॉक थी क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बहुत मोटी बुक है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट बुक है, ये कैसे हैंडल होगी। लेकिन सर ने बोला था तो वो काम तो करना ही है, वो काम तो होना ही है। सो मैंने बहुत ग्लैडली इस बुक को एक्सेप्ट किया कि हाँ सर मैं इस बुक को डेफिनेटली करूँगी, एंड मैं आप सभी के सामने हूँ फ्रेंड्स थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक के साथ। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब जो इसके जो ऑथर हैं हैरल्ड परसिवाल जी, उनका जन्म 1865 में हुआ था डियर फ्रेंड्स, और उनको अपने बचपन में बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताते हैं कि जब वो शायद वूम में थे तो उनको हर तरह की साउंड्स सुनाई देती थी, और वो साउंड्स का उनको मीनिंग नहीं पता था तब तक, लेकिन उस साउंड को सुनकर वो उस साउंड को फुली फील कर सकते थे, और फील करके वो जो भी साउंड थी उसका वो उनके दिमाग में इमेज आ जाते थे, वैसा कलर उनके दिमाग में आ जाता था। अभी तक उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखा था लेकिन इस साउंड को सुनते ही वो इमेज उनके दिमाग के सामने आ जाते थे। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं आजकल बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो हमें बताती हैं कि जो बेबी वूम के अंदर है वो सब कुछ सुन सकता है, वो सब कुछ फील करता है, और हैरल्ड परसिवाल जी को ये बात याद थी कि वो इन साउंड्स को सुन सकते थे, वो इन साउंड्स को और फील कर सकते थे, और वो फॉर्म्स उनके दिमाग में आ जाते थे। है ना फ्रेंड्स कितना अभूतपूर्व। सो ये उनके कुछ बचपन की बातें थी। बचपन से ही वो एक थोड़े अलग तरह के बच्चे थे, उनके क्वेश्चंस बहुत अलग तरह के थे अपने पेरेंट्स से। उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और उन्होंने वो सब कुछ, वो सभी स्टोरीज सुनी थी कि हेल होता है, वहाँ पर फायर होती है और उस फायर में तुमको जलाया जाता है, अगर तुम जो गलत काम करते हो तुमको फायर में जलाया जाता है। ये सब स्टोरीज उन्होंने सुनी थी अपने पेरेंट्स से, और जब भी रिलीजियस सेरेमनीज होते थे तो उन्होंने ये सब सुना था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल इस बात को नहीं मानता था कि ये कैसा गॉड है, ये क्या नियम है कि फायर में जलाएंगे आपको। वो क्रिश्चियनिटी में ये टर्म आता है फ्रेंड्स ब्रिमस्टोन में आपको जलाएंगे। सो हैरल्ड परसिवाल जी बहुत एक्सपेरिमेंटल थे, उन्होंने ब्रिमस्टोन को यूज़ किया या मैचेस को शायद यूज़ किया, और अपने हाथ को जला कर देखा कि क्या जो मैं वाकई हूँ क्या वो जलेगा। उन्होंने अपनी उस उंगली को जलाया, उनको तकलीफ तो बहुत हुई लेकिन जो उनके अंदर था, जो यू नो द वन विद इन द बॉडी, वो उनको लगा कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है इस शरीर को हुआ है। उनको शुरू से ही ये रियलाइजेशन थी कि मैं ये जो बॉडी हूँ मैं ये बॉडी नहीं हूँ, इस बॉडी के अंदर कुछ है जो मैं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी।
अपने आसपास देखते थे, क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, किसी के पास जवाब नहीं थे फ्रेंड्स उनके क्वेश्चंस के, कि वो क्या है, वो बॉडी अलग है, बॉडी के अंदर क्या है, वो क्या है जो फील करता है, वो क्या है जो सोचता है, क्या वो ये बॉडी है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स उनको नहीं मिले, थोड़े उदास हुए वो इस बात से कि मेरे इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। फिर उनको बचपन से ही इस बात की कन्विक्शन थी, बहुत ही कन्विंसिंगली इस बात को जानते थे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इस दुनिया को चलाते हैं। कौन चलाते हैं इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को कौन गवर्न कर रहा है? हम गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो साइलेंटली अपना काम कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड है, वेरी साइलेंटली इट इज़ डूइंग इट्स वर्क। तो ये भी बात उनके दिमाग में बहुत ज़बरदस्त थी कि कोई तो है, कौन लोग हैं जो इस दुनिया को की गवर्नमेंट हैं, जो इस दुनिया की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो लोग कौन हैं। ये तलाश बहुत समय तक चलती रही। छोटे से थे, 7 साल के थे, और ये क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में, क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ जाते हैं, वाइज मैन कौन है। तो ये सब प्रश्नों के पर कहीं जवाब नहीं मिल रहे थे। ये मालूम था कहीं ना कहीं वो वाइज मैन हैं, शुरू से बचपन से ये तलाश थी कि मैं उन वाइज मैन से कब मिलूँगा। जानते नहीं थे वाइज मैन कौन है, कहाँ से आएंगे ये वाइज मैन, नो आइडिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वाइज मैन होते हैं जो इस दुनिया को बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली गवर्न कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए जिंदगी का कारवां, और उनको पता चला कि मैडम ब्लेविट्स्की नाम की एक लेडी हैं, और मैडम ब्लेविट्स्की ये बोलती हैं कि मैं कुछ वाइज मैन से कॉन्टैक्ट में हूँ, और ये जो वाइज मैन है ये मेरे थ्रू, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करती हूँ, मेरे थ्रू मुझे कभी कभी डिक्टेशन भी देते हैं, और मैं वो सब चीज़ें नोट डाउन करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लगा इनको, इनके तो ऐसे लगा हुआ कि जैसे बरसों की तलाश मिट गई, और ये पहुँच गए मैडम ब्लेविट्स्की से मिलने। सोच रहे थे मुझे कभी ये महात्मा लोग मिलेंगे, मैडम ब्लेविट्स्की उनको बोलती थी महात्मा, जिनको ये वाइज मैन बोलते थे, मैडम ब्लेविट्स्की कहती थी महात्मास ऑफ द ईस्ट। सो मैडम ब्लेविट्स्की से मिले और सब कुछ हुआ, और उसके बाद सोचते हैं कि मुझे कब मिलेंगे महात्मा लोग, मुझे कब ये सब ज्ञान मिलेगा, क्या होता है लाइफ, क्या होता है डेथ, मेरे ये क्वेश्चंस कब आंसर हो गए। धीरे 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 इनको, इनका थिंकिंग में एक शिफ्ट आया, एक परिवर्तन आया, और इनको लगने लगा कि मैं किसी महात्मा को एप्लीकेशन नहीं लिख के दूंगा कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए, मैं क्यों ये एप्लीकेशन लिखूँ, क्या ये सारा ज्ञान कहीं और है, क्या हमारे अंदर नहीं है ये ज्ञान। फ्रेंड्स, कितनी वाइज सोल होगी जो इस बात को जानती है कि सब कुछ अपने भीतर है। जनरली ह्यूमैनिटी का क्या रास्ता होता है डियर फ्रेंड्स, कि वो अपने से बाहर ढूंढते हैं आंसर्स, अपने से बाहर ढूंढते हैं गॉड, अपने से बाहर ढूंढते हैं। लेकिन पर्सिवल जी की विजडम को देखिए कि वो बहुत जल्दी लाइफ में इस बात को समझ गए थे कि मेरे अंदर भी तो वो सब कुछ है, वो सारा ज्ञान मेरे अंदर भी तो है, मैं क्यों बाहर एप्लीकेशन लिखूं, वाइज मैन के लिए या किसी का डिसाइपल बनने के लिए। तो इनका ये एंड हो गया वो थॉट कि वो डिसाइपलशिप चाहते हैं किसी गुरु की। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, 1890s की बात है, इनकी लाइफ में अमेजिंग इंसिडेंट्स होने लग गए। 1892 में से इनकी लाइफ में एक परिवर्तन आना शुरू हो गया, और 93 में इनकी लाइफ का एक चेंजिंग, एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ इनके साथ। और वो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, कि ये चल रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और एक कॉर्नर पे इन्होंने टर्न किया या स्टेप्स ले रहे थे शायद, और उसी मोमेंट पे इनको ऐसा लगा कि इनके सर के अंदर बहुत सारे सूर्य आ गए हैं, जैसे एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रकाश जो कि जैसे कि 100,000 millions ऑफ सन से भी ज़्यादा ब्रिलियंट था इनके सर के अंदर, राइट इन द सेंटर ऑफ हिज हेड। सो यू नो, वो जो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया कि क्या था, वो कहते हैं, हैरल्ड पर्सिवल कहते हैं कि ये
मैंने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया था। कॉन्शियसनेस क्या है फ्रेंड्स? हमारे अंदर की जो चेतना है। चेतना किस में है? हम सभी में है जो चेतना, लेकिन क्या हमने इस चेतना को एक्सपीरियंस किया है, या हमने इसके बारे में सुना है, या हमने इसके बारे में पढ़ा है? तो हैरल्ड पर्सिवल जी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, और उसका फ्रेंड्स कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। जब आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। तो इनको एक्सपीरियंस हुआ कि इनके सिर के अंदर एक बहुत ज़्यादा उजाले वाला सूरज है, इतना ज़्यादा उज्ज्वल कि जो रियल सन था, जो सन था उस समय, जो उगा हुआ था सन, वो उसके सामने बिल्कुल फेड आउट कर गया। वो बिल्कुल हार्डली दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि धुंध वाला हो वो सन। इतना ज़्यादा ल्यूमिनस प्रकाश इनके अंदर से इनको दिखाई दिया। और इसके बाद भी ये दो इंसिडेंट्स और आए इनकी लाइफ में, जब इन्होंने जब भी कॉन्शियसनेस के बारे में कॉन्शियस हुए, कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर जो चेतना है उसके बारे में जागरूक हुए। और ये इंसिडेंट दो बार और हुआ, 14 साल, अगले 14 साल के इंटरवल में ये दो बार हुआ कि इनको ये कॉन्शियसनेस को क्लिक के प्रति जागरूक हुए कि हाँ, ये मैं कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ना भुला देने वाले एक्सपीरियंसेस थे। वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक इतनी खूबसूरत चीज़ है, वो सब कुछ है। कॉन्शियसनेस हर चीज़ है, उसको आप काट नहीं सकते, उसको आप बांट नहीं सकते। वो ना कभी बढ़ती है, ना कभी घटती है, ना मल्टीप्लाई होती है, ना डिवाइड होती है। वो हर चीज़ में है। कॉन्शियसनेस बस है, कॉन्शियसनेस इज जस्ट, इट जस्ट इज। सो यू नो, वो कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत जागरूक हो गए, जानना शुरू हो गए कि हाँ, ये कॉन्शियसनेस है। तो आपकी क्या ड्यूटी है? जब आपको पता चल गया, आपको कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस हो गया, व्हाट इज़ योर ड्यूटी? फ्रेंड्स, कोई भी चीज़, जो भी आपका गिफ्ट है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी आपकी लर्निंग है, उसके साथ आपको क्या करना होता है? स्पिरिचुअलिटी के अनुसार, शायद कॉमन सेंस के अनुसार भी, उसको आपको बांटना होता है, उसको आपको दूसरों को देना होता है। जो ज्ञान आपने अर्जित किया, उसको आप दूसरों के साथ बांटते हैं। हमने ये सब जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना है कि वट एवर वी शेयर, इट मल्टीप्लाइज। सो हैरल्ड पर्सिवल जी इस बात को जानते थे, समझते थे कि मुझे ये ज्ञान बांटना है, मुझे कॉन्शियसनेस के बारे में लोगों को बताना है। क्या हम लोग जानते थे कॉन्शियसनेस के बारे में? हमने सुना था, हमने भगवद गीता को कभी कभी उठाया था, तो उसमें कुछ ऐसी बात आती थी आत्मा परमात्मा की। लेकिन हैरल्ड पर्सिवल जी ने अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ का जैसे मिशन बना लियो, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करना, कॉन्शियसनेस के बारे में लिखना। बेसिकली बात तो नहीं ज़्यादा कि उन्होंने लिखा कॉन्शियसनेस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो उन्होंने बुक प्रोड्यूस करी, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, क्या आप सोच सकते हैं कि इस एक बुक को प्रोड्यूस करने में उनको 20 साल लगे? एक ऑथर अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे देता है एक किताब को, कितना सेल्फलेस ये गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए। हमने और आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो पर्सिवल जी ने किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस इस किताब के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से जीवित है। इस किताब के माध्यम से हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स भी तो एनर्जी है फ्रेंड्स, वर्ड्स भी तो एनर्जी हैं, जो एनर्जी आप तक पहुंची है। सो हैरल्ड पर्सिवल जी ने 20 ईयर्स लिए टू राइट दिस बुक थिंकिंग एंड डेस्टिनी। एंड लिखने का उनका तरीका भी बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने अपना एक पर्सन को, बेनोनी बी गटेल करके उनका नाम था, उनको वो बुक डिक्टेट करते थे, और डिक्टेट करते थे 20 साल तक। बेनोनी ने इस बुक का डिक्टेशन लिया उनसे। मैं तो उन बेनोनी जी को भी नतमस्तक हूँ उनके आगे। इतने लंबे समय तक आप किसी चीज़ के साथ एंगेज रहें, अपना इंटरेस्ट भी कायम रखें उसमें, और इसको एक एज अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी समझ के करें, माई गॉड, वॉट अ ब्यूटिफुल सर्विस। 20 ईयर्स फ्रेंड्स, कितना लंबा समय है। सो, इनको ये डिक्टेट करते थे, क्योंकि बोलते थे कि मैं एक साथ सोच नहीं सकता और लिख नहीं सकता,
I have to be still to be able to write, to be able to think. तो वो सोचते थे और बिल्कुल स्टिल होकर सोचते थे. इस किताब में उन्होंने हमको बताया है कि इसका नॉलेज उनको कहाँ से मिला. अभी मैं आपके साथ आगे के एपिसोड्स में शेयर करूँगी कि ये ज्ञान कहाँ से आ गया. तो हैरल पर्सिवल जी कहते हैं, मुझे किसी महात्मा ने ये ज्ञान नहीं दिया, मुझे ट्रांस स्टेट में ये सब नहीं मिला, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी ऐसी, मैंने ऐसी बातें कहीं सुनी भी नहीं. तो ये ज्ञान कहाँ से आया फ्रेंड्स, कौन से अननोन प्रोसेस से आ रहा है? शायद ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में अभी मैनकाइंड नहीं जानती है. लेकिन पर्सिवल सर हमें बहुत काइंडली बताते हैं कि मैं थिंकिंग, अपनी थिंकिंग की लाइट, एक हमारे अंदर फ्रेंड्स कॉन्शियस लाइट है, जो आम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं ना, वो नेचुरल लाइट है. कॉन्शियस लाइट क्या है? जो आपके अंदर है, आपके भीतर है, सिर्फ आपने उसमें टैप नहीं किया, अभी जानते नहीं है कि कैसे टैप करते हैं, बट वो रिसोर्स है हमारे अंदर. सो इन्होंने बोला कि मेरा तरीका क्या है. उनसे लोगों ने पूछा होगा आई एम श्योर कि आपका तरीका क्या है इस बुक को लिखने का. वो खुद बताते हैं इस बुक में कि मैं उस कॉन्शियस लाइट को होल्ड करता हूँ. पहले उस कॉन्शियस लाइट को 4 स्टेप्स बताए उन्होंने कि मैं उस लाइट पे, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ जो मैं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर कॉन्शियस लाइट लाता हूँ, लाइट को फोकस करता हूँ, एंड फोकसिंग ऑफ द लाइट. इस मेथड से ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है थिंकिंग एंड डेस्टिनी. सो अब आप बहुत सरप्राइज होंगे फ्रेंड्स, जब भी हम कोई किताब लिखते हैं ना, आप कोई भी किताब देख लीजिए किसी ऑथर की, उसके पीछे बहुत सारी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट होती है कि ऑथर ने कौन कौन से बुक्स को कंसल्ट किया है, क्या क्या उसके रिसोर्सेज रहे हैं, कहाँ से उसको ये जानकारी मिली है. हम सब लोग ये बुक में देखते हैं, लास्ट में बिब्लियोग्राफी होती है, डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी होती है. और जब तक जो मुझे अनुभव था, जितनी बड़ी बिब्लियोग्राफी होती है उतना हमको लगता है हाँ बहुत वेल रेड ऑथर है. लेकिन इस बुक में जो कि इतनी वॉल्यूमिनस बुक है, 1000 से ऊपर पेजेस की बुक है, इसके पीछे कोई बिब्लियोग्राफी नहीं है. तो ये इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? इसका मेथड हमको पर्सिवल जी ने बता ही दिया है कि वो किसी आउटसाइड सोर्स पर डिपेंड नहीं करते थे. तो फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सिवल सर जी बिल्कुल बुद्धा हैं, वेस्ट के अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ. वो लाइट, वो कॉन्शियस लाइट उनके अंदर ही है, हमारे अंदर सभी के अंदर है, लेकिन वो उसके साथ डायरेक्टली टैप कर सकते हैं, उसके अंदर डायरेक्टली टैप करते हैं थ्रू सम मेथड जो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी आने वाले दिनों में सीखें, हम भी उस मेथड को जानें. ये शक्ति हमारे अंदर भी है. पर्सिवल सर ने ये बुक क्यों लिखी है, इतनी मोटी बुक, व्हाट इज द पर्पस? इस बुक को लिखने का पर्पस फ्रेंड्स वो हमें बता चुके हैं कि वो कॉन्शियसनेस के बारे में सबको बताएंगे इस बुक के थ्रू, कि हम सभी में वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन आप कितने जागरूक हैं उसके बारे में, फर्क सिर्फ ये है. तो क्या कॉन्शियसनेस जो है, क्या ये लिविंग थिंग्स में भी है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, क्या ये नेचर में सभी में है? यस, कॉन्शियसनेस इज ऑल देयर इज, हर चीज में कॉन्शियसनेस है. तो फिर क्या फर्क है आप में, एक एनिमल में, एक प्लांट में, एक मिनरल में? फर्क है फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस तो सब में है, लेकिन आप कितना जागरूक हैं उसके बारे में. आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस? पर्सिवल जी इसको बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज करते हैं, टू बी कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना कि कॉन्शियसनेस है कुछ. उससे पहले जब तक आप जागरूक नहीं होते, आप अपनी लाइफ में खाना पीना सोना प्रोक्रिएशन आप अपनी लाइफ में यही करते हैं. जब आपका वो टर्न आता है, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं कॉन्शियसनेस को लेके, तो आप क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या पर्पस है, खुशी क्यों नहीं है, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है. आपके कदम बढ़ चुके हैं एक अवेयरनेस की ओर. You have started to become more conscious of consciousness. जैसे जैसे फ्रेंड्स हम इवॉल्व करते हैं, ह्यूमन स्पीशीज
जैसे जैसे इवॉल्व करती है वो ज़्यादा 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 डिग्रीज में कॉन्शियस होती है कॉन्शियसनेस के लिए। सो फ्रेंड्स, ये पर्सिवल सर जी ने हमें अपने इंट्रोडक्शन में बताया है ना फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग। क्या आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे वाले आने वाले एपिसोड्स के लिए? आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम मिलकर इस बुक को एक्सप्लोर करें। और फ्रेंड्स, जो हम एक चीज़ किसी चीज़ को अपने लिए बहुत बड़ा बना देते हैं ये बोल के कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम इस मिथ को भी बस्ट करेंगे। डिफ़िकल्ट तब तक है जब तक आपने उसके साथ एंगेज नहीं किया, बस तभी तक, सिर्फ वो पहला स्टेप लेने की बात है। सो फ्रेंड्स, आइए हम सब एक साथ आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे और इस वंडरफुल बुक की वंडरफुल लर्निंग्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपके फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी सो हैप्पी टू आंसर। जितना मुझे समझ आया, हम सब एक लर्निंग प्रोसेस में हैं और मैं अपने आप को एक एक्सपर्ट नहीं कह सकती इस बुक का, बट हाँ एक लर्नर ज़रूर कह सकती हूँ, एक रेडी लर्नर, एक विलिंग लर्नर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार इस बहुत ही खूबसूरत बुक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू।